जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है परमाणु ऊर्जा विभाग सीधी भर्ती 2023, यानी कि नाभिकीय संयंत्र वाली जो कंपनी है उसमें ये वैकेंसी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो बिजली विभाग के अंडर में काम करती है, जैसे भाई परमाणु ऊर्जाओं का उत्पादन करना वगैरह वगैरह जो भी बहुत सारी है, वो बिजली विभाग के अंडर में काम करती है। भारत सरकार का संयंत्र है और इसमें अप्रेंटिस की भर्ती है दोस्तों। वैसे कोई भर्ती नहीं है, तुम कहीं ये सोचो कि साहब वैसे भर्ती निकल रही है क्या, परमानेंट जॉब वाली, वो वाली नहीं है। इसमें तो आपको अप्रेंटिस के लिए बुलाया जाएगा, जो अप्रेंटिस कोर्स होता है उसके लिए बुलाया जा रहा है। बिना परीक्षा सीधी है, यानी कि कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट इसमें परसेंटेज बेस पे आपको लिया जाएगा। तो इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, लास्ट डेट भी बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूं। बस आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के YouTube चैनल में। देखो भाई, ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग सीधी भर्ती 2023 नाभिकीय ईंधन अप्रेंटिस भर्ती नाइंस हैदराबाद, यानी कि ये कंपनी है जो हैदराबाद में है, समझ रहे हो। और भारत के कैंडिडेट, पूरे भारत के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हो। इसकी जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं, संपूर्ण जानकारी। देखो इसमें ये ट्रेड है, 10वीं पास और आईटीआई मांगा गया है। मात्र और मात्र आप 10वीं पास हो और आईटीआई आपने कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जो भाई ये बोले कि सर हम तो आईटीआई नहीं कर रखे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, सीधी सीधी बात ये है। क्योंकि इसमें जो है योग्यता जो मांगी गई है वो 10वीं पास और आईटीआई मांगी गई है। अब आईटीआई चाहे एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों ही मान्य है, दोनों ही चलेंगी। अगर आईटीआई नहीं है भाई तो फॉर्म नहीं भर सकते हो तुम, ठीक है। और वैसे भर भी मत देना, फर्जी से बनवा के वैसे भर दिया, वो कोई काम नहीं आएगी, बाद में दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप कोर्स करोगे एक साल का, तो कोर्स करने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा और उस डिप्लोमा को लेकर के आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में जॉब पा सकते हैं। किसी भी कंपनी हो चाहे कोई लिमिटेड डिपार्टमेंट हो, उसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो रहना खाना है, आवास सुविधा है, वो ये कंपनी नहीं देगी। एक साल तक आप जब वहां काम करोगे, कोर्स करोगे, तो आपको काम करना भी पड़ेगा और सीखो भी ये काम, समझ रहे हो। तो उसके पैसे मिलेंगे आपको, कितने पैसे मिलेंगे देखो, 8,050 रुपए भी है और 7,700 रुपए अलग अलग ट्रेड के अनुसार है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इसमें आपको तनख्वाह मिलेगी महीने की महीने 8,000 रुपए, ठीक है। अब उस 8,000 रुपए में आपको रहना खाना खर्चा, पानी मोबाइल खर्चा, खाना पीना खर्चा, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई। कंपनी तुम्हें नहीं देगी रहने खाने के कुछ भी, ठीक है। आपको तो पैसे मिलेंगे, अब उस पैसे से ही आप सब कुछ कर सकते हो, उसी से आपको करना पड़ेगा। फिटर से 42 पद हैं, टर्नर से 32 पद हैं, आईटीआई आपने कर रखी है तो ये ट्रेड हैं, इन ट्रेडों में से आपने आईटीआई कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिटर से कर रखी है तो 42 पद हैं, टर्नर से 32 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से 6 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई है तो 15 पद हैं, मशीनिस्ट वालों के 16 पद हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर 8 पद हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट 15 पद हैं, केमिकल प्लांट ऑपरेटर 14 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटेंस मैकेनिकल 7 पद हैं। ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड से अगर आप फॉर्म भरते हो तो इतने इतने पद हैं और इसमें आपको एक साल तक
वहां पे कोर्स कराया जाएगा और काम भी करना पड़ेगा, यानी काम सिखाएंगे आपको, तो उसमें आपको महीने की महीने 8,050 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये 8,050 रुपए आपको महीने के महीने तनख्वाह के रूप में मिलेंगे, जिससे आप अपना खर्चा पानी भी चला सकते हो। अगले और है देखो, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 2 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 16 पद हैं, वेल्डर के 16 पद हैं, मैकेनिकल डीजल के 4 पद हैं, बढ़ई जिसको कारपेंटर बोलते हैं 6 पद हैं, प्लम्बर से यदि आपने कर रखा है तो 4 पद हैं। इस प्रकार से ये ट्रेड हैं। इन ट्रेडों से भी अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें आपको महीने की महीने 7,700 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 7,700 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, उससे आप अपना खर्चा पानी चलाओ, रहना खाना सारी सुविधा आप अपने पैसे से करोगे, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कंपनी कुछ नहीं देगी। पद टोटल कितने हो गए? 206 पद हो गए। योग्यता 10वीं पास और आईटीआई है। अच्छा जी, फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म लिंक से भरना है, इसकी जो लिंक है वो मैं बता दूंगा अभी आपको। चयन कैसे होगा? बिना परीक्षा है तो साहब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, जिसकी ज्यादा परसेंटेज बन रही है 10वीं में और आईटीआई में उनको लिया जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा जी, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में उसकी सूचना कहां पे मिलेगी आपको? आपकी जो ईमेल आईडी होगी, जो फॉर्म भरते समय आप ईमेल लगाओगे, मोबाइल नंबर लगाओगे, उस ईमेल पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका शॉर्ट लिस्ट में नंबर आ गया है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और बस अगर आप ईमेल पे ये सोचो कि सब ईमेल पे हमें भूल गए, ध्यान नहीं था, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी भैया। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, इसको आप देखते रहना। इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं आईटीआई और वेल्डर आईटीआई हैं, तो इनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन है तो मिस्त्री पने का काम जानते हो क्या? अरे अपने डोरी डारी फिटिंग करबो, ये चीज है, ये इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वेल्डर वाले वेल्डिंग करबो, ये चीज देखेंगे वहां, भाई करके दिखाओ, किया कि नहीं किया, कुछ सीखा कि नहीं, पहले से कुछ नॉलेज है कि नहीं है, ये इसके बारे में कुछ पूछेंगे। और बाकी बाकी जो सारे ट्रेड हैं उनको कुछ भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, उनको तो सीधा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इनका शॉर्टलिस्ट करने के बाद में वहां पे साक्षात्कार भी लिया जाएगा, 2 का बस, केवल इनका, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का। फिर आपको जब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, वहां पे आपको रिपोर्ट देना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे आपको नाइस हैदराबाद, यानी कि इस कंपनी में परमाणु ऊर्जा विभाग में नाभिकीय ईंधन अप्रेंटिस भर्ती है नाइस हैदराबाद, यहां पे आपको रिपोर्टिंग देनी होगी। जैसे ही आपका चयन होगा तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ऑनलाइन फॉर्म जो भरा था उसकी प्रिंट भी लेके जानी है, 10वीं आईटीआई आधार मूल जाति पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है, समझ रहे हो? जैसे ही अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म भर दिए तो अब उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्म लगा दो आप। ठीक है, मान लो आपकी परसेंटेज अच्छी है, 70 है, 75 है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्म लगा देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका चयन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, तुरंत वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा भैया, तो आप ये भी बनवा लेना, 4-5 दिन में बन जाता है। बैंक की पासबुक ले जानी है और 4 फोटो ले जानी है नई, ये चीजें आपको लेकर के जानी है। ठीक है साहब, कोर्स की अवधि 1 साल की है, फिर वो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं फॉर्म किस लिंक से भरना है, तो www.apprenticeshipindia.gov.in ये लिंक है, इस लिंक से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसी लिंक से आपको फॉर्म भरना है, ये NAPA की लिंक है, किसकी है? NAPA, समझ रहे हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप, वो है ये,
तो अप्रेंटिसशिप वाला है एनएपीए वाला, इससे आप फॉर्म लगा सकते हो। पूरी नोटिफिकेशन हम आपको बता देंगे, बांसु रोजगार टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें ये लिंक भी है, इसको आप दबा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो। आपको यहाँ पे दबा करके इसमें फॉर्म अप्लाई करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, ताकि हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।